जैसे कि देख सकते हैं मैं फाइनली आ चुका हूँ डॉक्टर बायसु आया हॉस्पिटल। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, मैं यहाँ पहली टाइम आया हूँ और मैंने सुना तो है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था कि यहाँ पे हो जाता है क्या, और मतलब देखते हैं अभी क्या कैसा रहेगा, क्या रहेगा, अंदर जाके देखता हूँ और आप लोगों को भी सब हर चीज़ बताऊँगा मतलब कैसा होगा। तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ अंदर, अपना फीस दिया जाता है और उसके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ बाद में होगा। तो ये यहाँ का इंटीरियर है जो कि बहुत अच्छा है, फुल सेंट्रलाइज एसी था अंदर और अलग अलग रूम्स है, नंबर वन नंबर टू आई फर्स्ट लिखा है, देखो वहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा है, तो सही लगा मुझे वैसे तो देखने में। और भी आपको दिखाता हूँ यहाँ के इंटीरियर। तो जैसे कि देख रहे हो आप, ये सब इनके अचीवमेंट्स, मतलब इनके जो जो यूपी के सीएम जो योगी जी, उनसे होम मिनिस्टर और अलग अलग टाइप्स के मिनिस्टर्स और बहुत सारे लोगों से इनको अवार्ड मिला है, मतलब ये हॉस्पिटल के लिए। और ये सब अवार्ड्स जैसे कि दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे अवार्ड से दिखने में तो जेन्यून है, ऐसा अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ लग रहा है कि हाँ अच्छे हॉस्पिटल में आया हूँ। देखते हैं अभी आगे का प्रोसीजर क्या होगा क्या नहीं। तो ये सब पूरा लॉबी है उसका, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये पूरा सीटिंग मतलब बैठने के लिए, फिर वहाँ पर नाम ले लेके बुलाएँगे और फिर हम जाएँगे। जैसे कि देख सकते हैं ये बहुत अलग अलग लोगों ने इनका अवार्ड दिया है, जैसे फ़ोटोज़ लगाया है, ये रहे यूपी के सीएम योगी जी, इन्होंने भी दिया है अवार्ड इसका, बहुत सही लगा मेरे को। जैसे कि अभी मैं अंदर जाके चेकअप कराता है, तो चेकअप तो नॉर्मली मतलब उन्होंने आई चेक किया, मतलब यहाँ की जो मशीन है वो बहुत ही एडवांस लगी मुझे, तो आई चेकअप किया और फिर चेकअप होने के बाद उन्होंने दो ड्रॉप, दोनों आँखों में कौन सा ड्रॉप डाला वो नहीं पता है, उसके बाद तो ये टिश्यू दिया आगे पूछने के लिए और बोला थोड़ा टाइम रुको, उसके बाद कोई और चेकअप होगा। अभी देखते हैं, तो खाली नॉर्मल चेकअप हुआ है, जैसे उन्होंने पूछा कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, मैंने कहा अभी तो बिना चश्मे के मुझे दिखता नहीं है, तो मैं बता दी कि बिना चश्मे कुछ दिखता नहीं है, उन्होंने हमने ओके। और जैसे आज मैं थोड़ी तो स्टार्टिंग चेकअप हुआ है, उसके बाद देखते हैं, उन्होंने थोड़ा देर बैठो फिर वापस बुलाएंगे, उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तुमको भी चश्मे के बिना कुछ नहीं दिखता, चश्मे से नीचे के तीन सात या चार आने नहीं दिखती, चश्मे से भी नहीं दिखती जी। अभी तुम चार लाने नीचे भी नहीं हो क्या, चश्मे तो आ रहे हैं ऐसे मामला बताओ, हम सोचेंगे नजर वापस आ गए, जब हाई नंबर हो जाता है ना, नंबर जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बिना चश्मे के काटा कदर नहीं आया, चश्मे से जो चार लाने जो नहीं दिखाई दे रही थी उनको भी नहीं दिखाई दे रही थी, वो सब वापस आया है, आगे चलते चश्मे नंबर और आगे चलेंगे तो हो सकता है चश्मा उठा जाए, तो उसकी गलती नहीं होती, पर दूसरी का वापस आना ही अपना मौका है। तो जैसे कि देख सकते हो ये उसकी फाइल,
जो कि आपको मैंने पहले ही दिखाया था। तो अभी जो मेरा वो हुआ था चेक हुआ था पूरा, तो उसकी ये रिपोर्ट्स है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जैसे कि इसमें सब लिखा हुआ है हर चीज़ और ये सब है इसमें, इसमें मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो डॉक्टर ने देखा और उन्होंने फिर दवा दिया। तो इस तरह से ये सब नंबर वंबर है मेरे, ये लेफ्ट एंड राइट ये तो अलग अलग ये फाइल दिए थे और कुछ दिया नहीं था। और उसके बाद बोला था कि दवा लेने के लिए, फिर मैंने जाके फिर दवा भी बोल रहे थे खाली पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ उनके पास ही मिलेगी दवा। तो वो भी मतलब इनका दो ब्रांच है, दिल्ली में एक बरेली में, तो मैं बरेली वाले में गया था, आप दिल्ली में भी जा सकते हैं। और इनकी दो दवा मतलब कुरियर भी होती है सब मेडिसिन, जहाँ पर अभी दूर रहते हो तो कुरियर भी कर सकते हैं। तो वो बता रही थी कि 4 महीने का कोर्स होगा, तो अगर 4 महीना करेंगे तो मतलब गारंटी तो नहीं, मतलब जैसे चश्मा हटेगा तो इतना अश्योरिटी दे रहे थे कि मतलब वो चश्मा निकल सकता है और नंबर बिल्कुल कम होगा, नंबर तो कम होगा वो बोल रहे थे, पर एकदम से चश्मा हटेगा उतनी की गारंटी नहीं थी। मैं बोले नंबर बहुत कम होगा। तो 4 महीने का कोर्स है और बस अभी दवा भी वहाँ से लिया और दवा पड़ी मुझे 6500 की, मतलब 500 रुपये डॉक्टर का चार्ज, 2000 रुपये ट्रीटमेंट का और 6500 की दवा। तो मतलब एक जन को 9000 रुपये चाहिए वहाँ पर जाने के लिए ट्रीटमेंट, और हर महीना 6500 की दवा देना पड़ेगा और 4 महीने का कोर्स है। इस तरह इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, अगर किसी को जाना हो या करना हो तो कर सकते हो। ओके, तो अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो वीडियो को, पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। ओके बाय।